हेलो एंड वेलकम टू इट्स अर्पिता टाइम। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कोको सोल का नरिशिंग बॉडी लोशन। तो इसकी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, ये एक 50 ml का प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है ₹249 और 3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। तो मुझे पर्सनली इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ना ही ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ ये पैराबिन फ्री है। इसमें सिलिकॉन्स नहीं है, इसमें मिनरल ऑयल्स नहीं है, इसमें पेट्रोलियम नहीं है, ना ही इसमें DEA है। इसके की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात, ये सोर्स किया गया है 100% कोकोनट ऑयल से, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। लेकिन सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं, इसके अंडर सैंडलवुड भी है और इसके अंडर वेलमी भी है। तो ये बॉडी लोशन की कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका टेक्सचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टेक्सचर के साथ साथ एक चीज़ है जो मुझे मेरी बॉडी लोशंस में जनरली पसंद नहीं आती, और वो है जब बॉडी लोशंस बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं। ये बेसिकली ऐसे दिखता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इनिशियली जब आप इसे लगाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये कितना चिपचिपा है, लेकिन आप इसको 5 मिनट दे दो तो ये आपके स्किन में बहुत ब्यूटीफुली ऑब्जर्व हो जाता है, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट लगेगा ही नहीं कि आपने कोई बॉडी लोशन लगाया है। तो मेजर प्लस पॉइंट है इसका। इनिशियली मुझे एक्चुअली लगा था कि ये चिपचिपापन इसका नहीं जाएगा, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये मैजिकली आपके स्किन के अंडर ना बहुत ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी। दूसरी बात इसके मैं बताऊँ, इसके अंदर ना एक खुशबू है, एक कोकोनट की खुशबू। अब ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली कोकोनट का फ्रेग्रेंस जो है वो प्रोडक्ट्स में पसंद नहीं है, स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। लेकिन इसकी बात क्या है, आप इसको लगा देते हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद ना ये फ्रेग्रेंस जो है वो ऑलमोस्ट मैनेजेबल हो जाता है, तो इतना बुरा नहीं लगता। ये फिर तेज़ खुशबू जो होती है, वो तेज़ खुशबू इसकी रह नहीं जाती। उसके बाद वाली बात हो गई आपके नरिशमेंट की, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है ये नरिशमेंट के मामले में बहुत बहुत अच्छा है, और नरिशमेंट भी ऐसी है ना कि आप इसको अगर रात को लगाओगे, नेक्स्ट दिन जब तक आप नहाते नहीं हो तब तक वो एक मॉइस्चराइजेशन की लेवल जो है ना वो वैसी की वैसी रहती है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जब आप शावर करते हो तो ऑलमोस्ट ना क्रीम निकल रहा है, ऐसी टाइप की फीलिंग आपको आएगी, जो मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छे बॉडी लोशन का एक एसेंस है मुझे लगता है, और इसकी वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इनफैक्ट मैंने ये रिव्यू अभी तक क्यों रोका है, क्योंकि विंटर के लिए स्पेशली मुझे लगता है ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि विंटर की वेदर क्या होती है, एक नरिशमेंट रिटेन करना विंटर के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए समर के टाइम में वो रिटेन हो ना हो चल जाता है, लेकिन विंटर में वो हाइड्रेशन सील होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है वो इस चीज़ की सबसे सबसे खास बात है। इसके बारे में मुझे कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है वो जो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो मेरा प्रायोरिटी है, क्योंकि मुझे फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है। अगर मेरे लिए फ्रेग्रेंस प्रायोरिटी नहीं होता बट दिस वुड हैव बीन वेरी गुड। लेकिन फिर भी विंटर के महीने में सिर्फ नरिशमेंट की वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, विच आई थिंक सेज अ लॉट अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैं फ्रेग्रेंस टॉलरेट कर सकती हूँ सिर्फ इसकी हाइड्रेशन के लेवल के लिए। मेजर ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है इसकी प्राइस। देखिए 50 ml के लिए 249, वो भी एक बॉडी लोशन के लिए काफ़ी हाई एंड के ऊपर है, लेकिन एक है प्रोडक्ट लग्जूरियस लगता है तो ऑफकोर्स, लेकिन ये एक थोड़ा सा लग्जरी टाइप का ही प्रोडक्ट है अगर आप कह लें मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपके बजट के ऊपर है कि आप फिर ये ले लें अगर आप ना ले लें। लेकिन विंटर के हिसाब से मैं ये ज़रूर ज़रूर रेकमेंड करूँगी, एक तो क्योंकि आपको दूसरे दिन तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई बिल्कुल नहीं पड़ता, आपकी बॉडी ड्राई नहीं पड़ती। इनफैक्ट मैं ना ही इसे बॉडी लोशन अपने हाथों पे भी लगाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हाथों पे भी वो एक सॉफ्ट सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है, स्किन भी इससे काफ़ी सॉफ्ट रहती है। इसीलिए जो एक आइडियल बॉडी लोशन को करना ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें ये करता है, और सिर्फ उसी की वजह से मैं इसे इट्स अर्पिता टाइम रेकमेंडेड मानती हूँ। ड्रॉबैक इज़ द प्राइस एंड दैट लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस, अगर आप नज़रअंदाज कर सके तो दिस इज़ अ सुपर सुपर गुड प्रोडक्ट, ना ही विंटर के लिए
थ्रू आउट द ईयर के लिए। कोकोसोल के प्रोडक्ट्स इनफैक्ट मैं रिसेंटली ही मैंने डिस्कवर किए हैं, आई थिंक 1-2 महीने हो गए। उनके कंडीशनर और उनका क्लेंजर, हेयर क्लेंजर मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, लाइक माय हेयर लव्स इट एंड आई एब्सोल्यूटली लव इट। और मुझे लगता है बॉडी लोशन भी उसी के रेंज में थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि आई एम रियली लविंग कोकोसोल एज अ ब्रांड एंड प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट कोकोसोल ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है। So this is my review when it comes to Cocosol's Nourishing Body Lotion, 100% recommended or maybe 90% recommended. I will see you in my next one. Bye.